हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद होंगे आप सब अच्छे होंगे। और देख सकते हैं सोना भी बढ़िया है। सोना हेलो कर दो। हेलो। तो सोना, हम आ रखे हैं इधर खेत में। तो जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पर खेतों में बहुत घास हो रखी है। इसमें पौध लगनी है, यानी कि धान लगना है। और उससे पहले हम इसमें जितनी घास हो रखी है ये घास निकाल देनी है, इसमें डाल डालनी है। तो अभी हम उसको करने वाले हैं यहाँ पर। तो सोना भी यहाँ पर मेरे साथ आई है। पर क्या हो दोस्तों, बारिश शुरू हो चुकी है इस समय, तो इसलिए सोना को अभी मेरे को घर लेके जाना होगा, क्योंकि बारिश में भीग जाएगी, फिर इसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो हम इसको घर छोड़ देंगे और फिर हम आ रहे हैं यहाँ पर अभी खेत में। यहाँ पर जो है घास वगैरह निकालेंगे और फिर हम अभी आपको दिखाएंगे किस तरह की घास वगैरह निकालते हैं हम और खेतों का काम किस तरीके से होता है। तो देख सकते हैं हमारे पीछे सारे में खेती खेत हो रखा है। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। तो गाइज देख सकते हैं हम यहाँ पर खेत में आ चुके हैं और सोना को छोड़ आए हैं। बारिश भी बंद हो चुकी है और ये मेरे साथ आ रखे हैं लड़के, और ये भी हम साथ में मिलके यहाँ पर जो खेत में ये घास देख सकते हैं, ये जो घास हो रही है इनको हमें निकालना है ये। और इनको निकालने के बाद फिर इसमें एक बीच में हम एक डाल डालनी है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊँगा। अंशुल जो है अभी फावड़ा लेने गया हुआ है और ये देख सकते हैं ये पूरा इतना ही खेत बचा हुआ है ये। और इसमें जो है फिर धान लगने हैं, जब धान लगेंगे तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। अभी तो फिलहाल किसी खेत में अभी यहाँ धान नहीं लगे हैं, सारे खेत खाली पड़े हैं, क्योंकि अभी बारिश हो जाएगी तभी जाके तैयारी होगी इसमें। और ये खड़े हैं उधर, वो अंशुल भी आ रहा है फावड़ा लेके। तो चलिए घास निकाल देते हैं फिर यहाँ की, तो घर वालों से डांट पड़ेगी फिर।
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इन लड़कों ने जो है यहाँ पर जो सारी जो घास थी वो हमने साफ कर दी है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इस समय अब हम जा रहे हैं बारिश का मज़ा लेने के लिए, नहाने के लिए। और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में।